हैदराबाद के को वहाँ जमीन प्रदान की। मैंने कल ऐसा कहा कि विशेष बात यह थी कि उन्होंने आते आते मुझे बताया, गुरुजी आपको पता है क्या कि हुबली में विशुद्धानंद जी गंध बाबा का आश्रम है जो नंदनवन के नाम से जाता है, और करेक्ट उससे आधा किलोमीटर के दूर पे हमें हमने निखिल चेतना केंद्र के का यह लिया है। तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई ना कोई संपर्क पूर्व जन्म से विनायक का विशुद्धानंद से होगा और इस जन्म में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से हुआ और उन्होंने यह कार्य किया। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने, गुरुजी ने कहा है कि तुम मुझे एक पैसा दोगे तो मैं तुम्हें 10 पैसा दूंगा, और उन्होंने हमें गुरुजी के रहने के लिए अगर 1 एकड़ दिया है तो वो 100 एकड़ के मालिक बने और खुशी के साथ रहे, आनंद के साथ रहे, आनंद का जीवन बिताएं, ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। डॉक्टर विनायक यही जिन्होंने दिए है, और जिस मैं गंध बाबा के विशुद्धानंद जी के बारे में बताया था, जिस अघोरी ने वहाँ उस नंदनवन को या उस आश्रम को बांधा है उन्होंने कहा, लेकिन बात यह है कि उन्होंने 2-3 बार में हुबली गया, उस नंदनवन विशुद्धानंद जी के आश्रम को नहीं गया। मैं बार बार कहता रहेगा विनायक अगली बार जाएंगे, शायद हो सकता है कि अगली बार हम सब लोग जाएंगे जब हमारा आश्रम का ओपनिंग होगा। तो ये हम अगर घटना कहे या इंसिडेंस कहे या कुछ भी कहे, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से वो जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई हमारा संदेश दे के जाते हैं कि जोशी तुझे यहाँ जाना है। मैं भारत के कई स्थानों में घूमा हूँ लेकिन मैं देखता हूँ कि हर जगह कुछ ना कुछ हमारे लिए होता ही है। जैसा मैंने कल कहते कहते मैं रुक गया था कि आजकल बहुत हमारे विनायक भी पूछ रहे थे, गुरु जी वास्तु से लैंड अच्छा है क्या? बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं बोला वास्तु से लैंड जहाँ गुरु जी बैठे हैं वही वास्तु है। और ऐसी ही बात कभी जीवन में मैंने जैसे आपको बताया कि अगस्त्य महर्षि जब उत्तर भारत में पर्यटन पर थे तो सारे देवताओं ने कहा कि हे महर्षि अगस्त्य, तुम्हारा शिष्य मेरु पर्वत जो है वो इतना बढ़ रहा है कि उसने कहा कि हिमालय को पूजा जाता है, दूसरे पर्वतों को पूजा जाता है, मैं मेरे गुरु का शिष्य होकर ना मेरी गुरु की पूजा होती है ना मेरी पूजा होती है, मैं इन सभी को बता दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और मेरु पर्वत दिन ब दिन बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि वो सूर्य चंद्र भी, इधर के लोगों को सूर्य चंद्र दिखना ही बंद हो गए। सब देवता ऋषि जो अर्घ्य संध्या वंदन करने वाले परेशान हुए और जाके देवताओं के पास कहने लगे कि प्रभु बचा लेना, सूर्य हमें दिख नहीं रहा है, आज 1 महीना 2 महीने हो गए सूर्य का दर्शन नहीं है, चंद्र का दर्शन है, मेरु दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और वो कहाँ तक बढ़ेगा, और हम अगर ये अर्घ्यपाद्यादि नहीं दिए हमारे पास झाड़ भी सूख जाएंगे अगर सूर्य की रश्मि में रश्मि नहीं आई, चंद्र नहीं आए तो ये क्या होगा। सारे देवताएं जब गए तो वहाँ महर्षि ब्रह्मा देवता ने और वहाँ के ऋषियों ने कहा कि तुम्हें इससे एक ही आदमी बचा सकता है और वो महर्षि अगस्त्य, तुम उसकी शरण में जाओ। सब मिलकर महर्षि अगस्त्य जी के पास गए, अगस्त्य जी की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था जो श्री विद्या की बहुत श्रेष्ठ उपासक थी और अगस्त्य भी श्रेष्ठ उपासक थे। तो जब अगस्त्य महर्षि के पास गया तो अगस्त्य महर्षि ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ। अगस्त्य महर्षि चलते चलते गए और मेरु पर्वत के पास जाकर खड़े रहे और कहा, जैसे अपने गुरु आए महर्षि अगस्त्य नतमस्तक हो गया अपने शिष्य के कारण, वो झुक गया और नमस्कार करने लगा तो इधर उधर से आए, तो बोले मेरु तू ये क्या कर रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, प्रभु इसके बारे में एक बात मत करो, बस मैं मेरे गुरु को श्रेष्ठ देखना चाहता हूँ और उनका शिष्य मैं, सारे पर्वतों को, हिमालय को पूजा जाता है, दूसरे पर्वतों को, गंधमादन पर्वतों पर सारे को मुझे पूजा नहीं जाता, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, कहो कि मेरे गुरु जी को पूजा जाएगा और मेरा मुझे पूजा जाएगा। अब अगस्त्य महर्षि बोले, बात तो तू सही कह रहा है, अब मैं एक बात कहता हूँ, तुझे ये संसार याद रखेगा तेरे गुरु को और तुझे, मैं ऐसा एक कार्य करता हूँ, मुझे ज़रा काम पर मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ, मैं जब तक जाकर नहीं लौट के आऊँ तब तक तू नीचे झुक के ही रहना, मैं जाकर वापस आता हूँ। महर्षि अगस्त्य थे, मेरे ने गुरु की बात मान ली और वो झुक गए, पूर्ण रूप से झुक जैसे गए अगस्त्य महर्षि पार गए। आज तक अगस्त्य महर्षि साउथ में दक्षिण तरफ नहीं गए क्योंकि मेरु पर्वत बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य तो ऐसा मानने वाला नहीं था, उसको तो चाहिए था कि अपना जो कार्य होना है वो होना ही। इस वैसे ही अगस्त्य महर्षि जब आए तो उन्हें पता चला कि चिरंजीवी के रूप में परशुराम जी यहाँ दक्षिण में ही निवास करते हैं, उनका क्षेत्र यह केरल का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वो निवास करते हैं।
तो महर्षि अगस्त्य परशुराम जी के पास आए और साष्टांग नमस्कार किया और कहा, प्रभु बहुत चिंतित हूँ, यह सब दक्षिण भारत में देख रहा हूँ, दंडकारण्य राक्षसों का वास है, या देवताओं की स्थापना होना, प्रतिष्ठा होना, या देवताओं को देखना, देवताओं का दर्शन होना, ये जंगल में देवता आएंगे ही नहीं आए, इसका कोई नहीं है, न कोई ऋषि दिखता। परशुराम जी ने अगस्त महर्षि से कहा, आप क्या चाहते, क्या हो? प्रभु एक ऐसा मार्ग बताओ कि यहाँ देवता की स्थापनाएं हो, यहाँ देवता रहे, यहाँ अच्छी सी तपस्या हो। तभी यहाँ संस्कृत की भाषा भी बोली नहीं जाती थी, वेदों को ही जाना जाता था। तो महर्षि अपने परशुराम जी ने कहा कि अगस्त्य, आज तक जब मैं देखता रहा हूँ, पहली बार मैंने रामचंद्र से जब धनुष बाण लिया और मेरा सर्वस्व रामचंद्र जी को दे दिया, क्षत्रिय कुल के राम को, रघुकुल राम को मेरा दे दिया, और मैं साधारण मनुष्य के भांति चिरंजीवी होकर इस पृथ्वी पर यहाँ तपस्यारत हूँ और मेरे तपस्या पर ही मैं जीऊँ, चिरंजीवी हूँ, सारे देवता हैं, अगर मैं किसी को बुलाऊँ तो देवता ज़रूर आते हैं। लेकिन आज अगर आप कहते हो अगस्त महर्षि कि मैं उत्तर भारत में जो देवता हैं उनको दक्षिण भारत में बुलाऊं तो आने के लिए वो लोग गड़गड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ सब राक्षस राज्य है, वो आएंगे नहीं। फिर बोले, ऐसा हुआ तो मैं तो दक्षिण की तरफ आ गया, अब आगे हो कैसा हो? तब परशुराम जी ने जो बातें कही उसको परशुराम कल्प सूत्र के नाम से जाना जाता है। परशुराम कल्प सूत्र के जाना जाता है। तो उत्तर भारत के जितने भी ब्राह्मण थे, जब उनको अगस्त महर्षि ने दक्षिण भारत में आने की बात कही तो बोले कि वहाँ दक्षिण भारत में, वहाँ तो पूरे यार राक्षस निवास करते हैं, वहाँ हमारे का कैसा हो, कोई आने के नहीं। तब परशुराम जी ने अपना गोत्र देकर कुछ ब्राह्मणों को बंगाल से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें मेरा गोत्र भार्गव गोत्र देता हूँ और तुम दक्षिण की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें वो विद्या सिखाऊंगा कि हाँ तुम्हारा जीवन यापन भी चले और तुम आप महान भी हो। तो परशुराम जी के कहने पर वो सब लोग दक्षिण भारत की तरफ आए। महर्षि अगस्त्य ने कहा, प्रभु यहाँ तो आपने बुला लिया, लेकिन अब वो क्या करेंगे, यहाँ खेती करेंगे, ब्राह्मण क्या करेंगे, वो वेद तो करते हैं, उनको क्या सेवा करेंगे, कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा, तपस्या तो नहीं कर सकते, यहाँ तपस्या अगर करना है तो यहाँ के राक्षस या दानव जो है उनको तपस्या करने नहीं देंगे, प्रभु कोई मार्ग बताओ। तब परशुराम जी कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस संसार में एक नई परंपरा में चलाता हूँ। नई परंपरा में होगा, जो उत्तर भारत में देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता जो भी हैं, मैं इनको उनको यहाँ आह्वान करता हूँ आने का। तो महर्षि अगस्त ने कहा, अगर वो विधान है तो आप कीजिए। उन्होंने कहा, विधान है लेकिन आज तक नहीं हुआ, मैं ब्रह्मा जी से और वहाँ नारद आए तो नारद जी से भी बात किया हूँ। तो नारद जी ने कहा कि कौन इस दक्षिण भारत में आएगा? तब महर्षि अगस्त कहते हैं कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। महर्षि अगस्त, मैं तुम्हें कहता हूँ कि आज से तुम और हम एक अभियान चलाएंगे। उस अभियान में हम देवताओं को आह्वानित करेंगे, हम देवता की सृष्टि करेंगे। अगर आप देखते हैं तो पूरे दक्षिण भारत में जितने भी तुम देवताओं के नाम लो, इसके नाम उत्तर भारत में नहीं मिलते। मधुर मीनाक्षी लो, अरुणाचलम के शिवजी का नाम लो हम, या दूसरे शिवलिंगों का नाम लो, आपको उत्तर भारत के नाम से, इन नामों से कोई तल्लुक, हम माताओं के नाम हो या शिवजी के या विष्णु भगवान के नाम हो, पूरे नाम यहाँ आने के बाद बहुत सारे नाम बदले हुए हैं। विष्णु भगवान महर्षि अपने परशुराम जी ने अगस्त महर्षि को देते हुए कहा कि मैं इस नाम से उन देवताओं को बुलाता हूँ और उन देवताओं की स्थापना हम करेंगे। बोले, देवताओं की स्थापना कैसी की जाती है? महर्षि अगस्त्य अपनी तरफ से कहने लगे कि मैंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है और मैं एक कल्पसूत्र लिख रहा हूँ। कल्पसूत्र में यह होगा कि देवताओं का आह्वान कैसे किया जाता है और देवताओं का घर किस तरह बांधा जाता है, मंदिर किस तरह बांधा जाता है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। और उसने परशुराम कल्पसूत्र ने पहली बार उस कल्पसूत्र को लिखा और ब्राह्मणों को बोध किया और कहा कि कौन सी देवता को किस तरह स्थापन किया जाता है और कौन सी देवता को किस तरह स्थापन करना चाहिए। परशुराम कल्पसूत्र जब महर्षि अगस्त्य को समझा रहे थे तो महर्षि अगस्त्य को एक छोटी सी आई, प्रभु इस कल्पसूत्र तो अभी तक हमने सुना नहीं, देखा नहीं,
और आप नए सूत्र की प्रस्तावना कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आप तो मानते हैं वासुदेव कृष्ण है, महर्षि वशिष्ठ है, तो आपको बताता हूँ, महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के उत्पत्ति के बाद उनके विवाह का मुहूर्त हो या उनके राज्याभिषेक का मुहूर्त हो किया था, लेकिन उसी महामुहूर्त पे उन्हें वनवास जाना पड़ा।